अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, क्या चैट जीपीटी ने तवक्कुआत के मुताबिक गूगल को कर दिया चारों शाने चित? गूगल में रिक्रूटर के तौर पर काम करने वाले एक शख्स ने बताया कि उसे गुज़िश्ता जुम्मे को इंटरव्यू के बीच में ही गूगल की तरफ से बरतरफ कर दिया गया था। लिंक्डइन पोस्ट में रियान ने कहा कि वो एक उम्मीदवार का इंटरव्यू कर रहे थे कि उसी दौरान उनकी कॉल मुनक़ता हो गई और वो अपने सिस्टम से लॉग आउट हो गए। NDTV के मुताबिक रियान ने अपनी पोस्ट में लिखा, बदकिस्मती से मुझे गुज़िश्ता जुम्मे को हज़ारों दीगर लोगों के साथ गूगल से निकाल दिया गया था। मुझे तवक्को नहीं थी कि ये इस तरह के अचानक अंजाम को पहुंचेगा। गूगल के साबिक मुलाजिम ने उसे ख्वाबों की कंपनी के साथ ख्वाबों की नौकरी करार दिया और कहा, अभी एक साल पहले मैंने ख्वाबों की कंपनी में एक ख्वाबीदा मुलाजमत हासिल की थी। तो नाज़रीन, क्या गूगल नहीं रहेगी अब ख्वाबों की कंपनी? बिजनेस इंसाइडर से बात करते हुए रियान ने कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता जुम्मे को कॉल के दौरान कंपनी की अंदरूनी वेबसाइट तक रसाई हासिल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि कंपनी की वेबसाइट तक रसाई से महरूम होने के फौरन बाद उनका ईमेल भी ब्लॉक कर दिया गया था। मुझे हर चीज़ से रोक दिया गया था और फिर मैंने तकरीबन 15-20 मिनट बाद खबरों पर देखा कि गूगल 12,000 बरतरफियों का ऐलान कर रहा है। क्या गूगल के पास हो चुकी है सामान की कमी? क्या अब होने जा रहा है वही जो कभी याहू के साथ हुआ था? क्योंकि मुस्तकबिल में मज़ीद बरतरफियों की उम्मीद भी की जा रही है।